गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक में हमने क्या था, नॉर्मैलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालेंगे। सो द फॉर्मूला इज मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जो भी गिवन मास होगा उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी बेसिसिटी या पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द सॉल्ट। जो बेस होंगे उनकी एसिडिटी होगी, जो बेस होंगे वो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव, तो कितने OH नेगेटिव बेस रिलीज कर रहा है दैट डिसाइड इट्स एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल NaOH, अगर हम NaOH को डिसोसिएट करते हैं तो वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो NaOH की एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको अगर हम ब्रेक करते हैं दैट ब्रेक डाउन इंटू Ca2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट इज़ द बेसिसिटी ऑफ द एसिड, जो एसिड है वो रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव, तो कितने H पॉजिटिव कोई भी एसिड रिलीज कर रहा है दैट डिसाइड इट्स बेसिसिटी, वो उसकी बेसिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे HCl को अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, तो अगर वो एक H पॉजिटिव दे रहा है, HCl यहाँ पर एक H पॉजिटिव दे रहा है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। लाइकवाइज H2SO4, जो H2SO4 है अगर हम उसको डिसोसिएट करते हैं तो वो टूट जाएगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर, तो H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे रहा है, 2H पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट इज पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द सॉल्ट, अगर हम NaCl को डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो टूट रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, तो पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आ गई यहाँ पर उसकी, 1, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट CaCl2, अगर CaCl2 को डिसोसिएट करते हैं तो वो टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2, तो इसकी पॉजिटिव वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस 2। फॉर एग्जांपल अगर हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ दी H2SO4, तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, सो 1 × 2 इज इक्वल टू 2। सल्फर कितने हैं, 1, एक सल्फर का मोलर मास कितना होगा, 32, तो 1 × 32 = 32। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, सो 1 ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 64। अगर हम सबको कंबाइन कर दें, 2 + 32 + 64, तो H2SO4 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 98। नेक्स्ट बेसिसिटी, कि H2SO4 कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, 2H पॉजिटिव, तो हम 98 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से, सो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ जाएगा, 49। तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सपोज हमें 2 ग्राम्स दिए हुए हैं 2 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट, तो हम लिखेंगे 2/49, दैट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अनदर एग्जाम्पल NaOH, अगर हम NaOH को देखें, सोडियम का जो मोलर मास है दैट इज़ 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो एग्रीगेट मास कितना हो जाएगा, 40। तो मोलर मास कितना हुआ, 40, एसिडिटी कितनी हुई, बिकॉज NaOH रिलीजेज ओनली 1 हाइड्रोक्साइड आयन, सो एसिडिटी 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 40/1, 40। हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। देन मोलैरिटी इक्वेशन के अंदर जो यूरेट है उसकी हेल्प से हम वॉल्यूम को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक सब्सटेंस की सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मोलैरिटी हमें गिवन होगी, एक ही हमें निकालनी होगी, सो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाती है, m1v1 = m2v2। लाइकवाइज नॉर्मैलिटी इक्वेशन इज n1v1 = n2v2। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस नोट्स ऑन योर कॉपीज एंड repeat or revise the chapter many times. Thank you.